What's up guys, this is Guru Man, यह Guru Man Fitness, और आज इसके ऊपर मैं रिव्यू नहीं करने जा रहा हूं। मेरे पास Apple iPhone 12 Max Pro है, जिसको हम बोलते हैं 12 Pro Max, और दो फोन हैं जो अभी अभी मतलब सुबह सुबह यहां डिलीवर हुए हैं, ऑलमोस्ट 12:01 के पास। तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बना देते हैं। मैं यहां रिव्यू नहीं करने जा रहा हूं आईफोन को, बता दूं आपको, क्योंकि मैं टेक्निकल गुरुजी तो नहीं हूं, उन जैसा रिव्यू तो नहीं कर सकता, ठीक है जी। मैं तो गुरु मान हूं और मैं तो फिटनेस के ऊपर रिव्यू करने वाला बंदा हूं, राइट। तो लेकिन इस एप्पल के पीछे एक कहानी जुड़ी थी जो मैं आपसे शेयर करने वाला था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज दिवाली है, 14 तारीख नवंबर 14, दिवाली का दिन, बहुत बड़ा दिन, क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल है। और मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर बच्चों से बुजुर्ग तक हर कोई इसको सेलिब्रेट करता है। तो दिवाली हर एक रिलीजन के अंदर, इंडिया के अंदर इसको धूमधाम से मनाते हैं, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है। जैसा कि जब आईफोन प्री ऑर्डर शुरू हुआ हफ्ते पहले, मैंने प्री ऑर्डर कर दिया था। आज जब रिलीज डेट है, आज ही फोन मार्केट में पहुंचा है, आज ही मेरे घर में डिलीवर हुआ। और मैं जैसे कि कैलिफोर्निया में हूँ, सैन फ्रांसिस्को के पास हूँ, तो बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाती है कैलिफोर्निया के अंदर सेम डे। और मेरे पास दो फ़ोन है, इसको मैं खोलता हूँ। दो फ़ोन आपसे, दो किसके लिए, एक मेरा एक मेरी वाइफ का। देखिए मैं अपने लिए चीज़ नहीं लूँगा, मैं अपनी वाइफ के लिए, मतलब दोनों के लिए चीज़ लूँगा, जो भी लूँगा। तो अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसी, अच्छा लगता है वाइफ के लिए भी, जरा लाना ज़रूरी है, लेना ज़रूरी है हर चीज़। तो ये नया आईफोन है, अभी ब्रांड न्यू, और देयर यू गो, यू सी इट्स अमेजिंग, गोल्ड प्रो मैक्स। इसकी स्क्रीन 6.7 इंच है, जो मेरा पहला फोन है, जो आईफोन 11 प्रो मैक्स जो था, वो सेम साइज नहीं है, 6.5 है, ये 6.7 है। आप देखें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बहुत अच्छा फोन है, अब ये फोन है, अब जब इंडिया जाऊंगा तो फैमिली मेंबर को दे दूंगा, कि जब जब भी गया। तो अब इसको मैं खोलकर रिव्यू करने वाला तो नहीं हूं, मैंने इसको ऑन किया तो मेरा ये फोन बंद हो जाएगा उसी समय, और मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी, बैकअप करना पड़ेगा, और लगभग मुझे शायद 30 मिनट का प्रोसेस होगा, 30 मिनट लग ही जाते हैं सारा आई क्लाउड बैकअप से। तो यहाँ मैं 30 मिनट लगाकर आपको दिखाने वाला तो नहीं हूँ, तो इसको मैं इस वीडियो के बाद ही ऑन कर लूँगा। सो दूसरे में वाइफ का जो फ़ोन है वो भी सेम है, और सेम कलर है, गोल्ड, वी गॉट सेम मैचिंग। सो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है मैं वो बताने जा रहा हूँ। रिव्यू वगैरह तो खैर, मैं एप्पल का यूज़र हूँ, जैसा कि शायद आप लोग होंगे और बाकी जो दुनिया के अंदर लोग हैं। इस बहुत बड़ा ब्रांड है दुनिया के अंदर, मेरे ख्याल इसकी जो जो नेट रेवेन्यू है, मेरे ख्याल से वो US गवर्नमेंट अमेरिका से भी ज़्यादा है। तो इट्स अमेजिंग, स्टीव जॉब्स जो इंस्पायर किया दुनिया के अंदर, तो आई थिंक हमें बहुत जबरदस्त कहानी उनकी, स्ट्रगल के पीछे भी, और इनोवेशन का जो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है, अनबिलीवेबल। तो ये आईफोन जब लॉन्च हुआ था 2007 में, आई रिमेंबर जब 7 मई में लॉन्च हुआ था, तो उस समय 500-600 का था। उसके बाद डेटा प्लान AT&T के साथ बहुत ही एक्सपेंसिव, तो उस समय तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाया, ऑनेस्टली बताऊँ 2007 में तो मैं ले नहीं पाया। और उसके बाद जैन और फेब, शायद 2008 क्रिसमस के बाद, जब जैन फेब 2008 में शायद मैंने पहली बार आईफोन 2G लिया, पुराना 2G उसमें था, फिर नया लॉन्च हुआ 8 में 3G, मतलब सेम। उसके बाद मैं लगभग लेता गया हर 2-3 महीने के गैप के अंदर। उसके बाद तो प्रोसेस 10 के बाद तो चेंज ही हो गया। और आई रिमेंबर 2008 में मेरी वाइफ बोल रही कि व्हाई डोंट यू अप्लाई एप्पल फॉर अ जॉब, हम बिल्कुल 30-40 माइल ही दूर हैं, और कुपर्टिनो में अप्लाई करो एप्पल की जॉब के लिए। और मुझे मालूम है कि मैंने रेज़्यूमे तैयार किया और एप्पल की जॉब के लिए अप्लाई किया। उसके बाद मैंने
कोई रिप्लाई नहीं आया। 6 महीने बाद मैंने दोबारा रेजमे थोड़ा मॉडिफाई किया, रेजमे को दोबारा भेज दिया, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर देखा कोई जॉब ऑफर्स आया उनकी, रेजमे को फिर मोल्ड किया। आपको मालूम है कि जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखकर अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड उड कर आप मॉडिफाई कर देते हैं रेजमे को। तो रेजमे को मैंने दोबारा किया, उसके बाद 2009 में दोबारा अप्लाई किया, 10 में दोबारा अप्लाई किया। 3 साल मैंने एप्पल की जॉब के लिए अप्लाई किया था। मैं उसके पैरेलली पर्सनल ट्रेनिंग देता था, आई वाज अ पर्सनल ट्रेनर, लेकिन जैसा कि डिसेंट सैलरी थी और उस समय मेरे जो डैड थे बोलते थे ये फिटनेस करियर में क्या कर रहा है, ये कुछ जिम ट्रेनर भी कोई जॉब हुई, कोई करनी है तो इंजीनियर की जॉब करो, इसलिए मैं अप्लाई करता था उस समय। अभी मैं फिटनेस लाइन में था लेकिन अभी मिशन इंडिया फिट वगैरह शुरू नहीं किया था। 2010 तक मैंने अप्लाई किया था, जॉब नहीं मिली। फिर मैं 2010 मिशन इंडिया पर निकल पड़ा। उस जर्नी में फिर तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर तो दिमाग में आया ही नहीं सेकेंड ऑप्शन क्या है। फिर तो वहाँ पर धक्के खाए, फेलियर धक्के खाए, फ़ोन तो दूर की बात, जो अगर कुछ है उससे भी गुजारा नहीं होता था, समय तो काफ़ी टफ था। तो वो जर्नी आपको मैंने बताई हुई है। तो मतलब है कि 8, 9 और 10 में मैंने एप्पल में अप्लाई किया था जॉब और कोई रिप्लाई नहीं आया, और 2012 में मुझे ईमेल आई वहाँ से वापस जॉब ओपनिंग के लिए। ये कोई मजाक होगा शायद, तो 2012 में मुझे रिप्लाई आया, क्योंकि रिक्रूटर्स होते हैं जो आपको आपके रेज्यूमे को पिक करते हैं, एंड वो मिडल जो रिक्रूट करते हैं आपको बड़ी बड़ी कंपनी में, तो रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी फॉर उस समय जॉब के लिए, लेकिन मैं उस समय इंडिया गया था तो मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। तो मैं इंडिया में उस समय मिशन इंडिया फिट स्ट्रगल प्रोसेस में था, तो अगर वो एक अपॉर्चुनिटी आई थी जिसमें मैंने 5-7 दिन के अंदर अंदर बेसिकली उसी दिन अप्लाई करना था, लेकिन आई वाज इन मुंबई स्ट्रगल में, तो वो 1 महीने में मेरे मालूम वहाँ से अगर जब रिप्लाई आया, उस समय मैं मुंबई में था, स्ट्रगल कर रहा था और 1 महीने के लिए इंडिया गया था, और जब उनको मैंने रिप्लाई किया कि मैं 1 महीने में वापस आ रहा हूँ, आते ही रिचार्ज करूँगा, तो वापस आया तो उन्होंने भाई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप, मैं उस समय नहीं था तो आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज मैं शायद एप्पल में जॉब कर रहा होता और अच्छा पैकेज था उस समय, 65,000 स्टार्टिंग सैलरी, लगभग $30-31 घंटे के हिसाब से, ये थी उस समय कुपटिनो में जॉब थी। यूनियर QA, अगर आपको मालूम हो QA, टेस्टर, टेस्टिंग के जॉब के लिए, तो मैं इंडिया के होने के कारण मुझे वो जो अपॉर्चुनिटी भी गई थी उस समय। उसके बाद तो आपको मैंने बताया या कि धक्के तो खाता रहा। तो मेरी ये कहानी के पीछे यही था कि मैं एप्पल का यूज़र हूँ ना, तो मैं ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी और उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी को लेकर एंडोर्स करने की, नाम ही बहुत बड़ा यार, तो मैं तो एक छोटा सा यूज़र हूँ आप जैसा ही। तो मैंने 2 आज आईफोन किए, मैंने कहा चलिए आपको बताता हूँ, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास आईफोन है, नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट वेरी स्मॉल थिंग इन अमेरिका, और इंडिया में बहुत स्मॉल थिंग है, फोन इज फोन। इंटरेस्ट बहुत होता था 10 में जो प्री ऑर्डर करते थे, 11 में, मतलब आज से 10 साल पहले जब आईफोन का जो क्रेज था, जब आईफोन मतलब अगले दिन आना आपको नींद नहीं आनी कि आईफोन आने वाला है, और डोर पर जब आईफोन आता था आप खोलते थे, वो एक्साइटमेंट डिफरेंट थी, उस समय में सोशल मीडिया पर नहीं था, आज आईफोन है तो उतनी एक्साइटमेंट नहीं है जो आज से 10 साल पहले थी, जब आप अनबॉक्स करते थे, यू नो उस समय आपके दोस्त आस पास फोन आ गया मुझे दिखाओ, सो यू नो यू सी फोन, मेरे रिलेटिव में किसी ने लिया और हमने वो फ़ोन देखना, उसके अंदर फीचर देखने, अब तो क्या है रैंडम फ़ोन है, यही फ़ोन है जो उसके फीचर इसी के अंदर है, फ़र्क है कि मैंने कलर डिफरेंट ऑर्डर कर दिया, थोड़ा सा उसका स्टाइल नया है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, तो अब वो है नहीं क्रेज जितना था, और इट्स नॉर्मल अफोर्डेबल इंडिया में, अंदर के शायद एक्सपेंसिव है अभी भी, अब उसके लिए तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ एक्सपेंसिव इन इंडिया, 1-1.5-2 लाख के पीस चला जाता है, जैसे मेरे पास 256 आई थिंक 512 और 256 GB है, और मेरे ख्याल से होगा 1.5 लाख के आसपास, आई डोंट नो, तो इट्स वेरी नॉर्मल, यहाँ US में उतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि गो विद द कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे थे, यू पेइंग चलता रहता है, फ़ोन जो आपका है, जैसे मेरा वराइजन है, वराइजन का चल रहा है नॉर्मल। सो एनीवेज, जस्ट फ़ोन की वीडियो नहीं है, यही बताना था कि मैंने जॉब अप्लाई की थी, अब एप्पल का बहुत बड़ा नाम था, अब आज तो बहुत बड़ा नाम है, तो उस समय जॉब नहीं मिली, लेकिन जब जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे ईमेल आया, तो मेरी किस्मत खराब है, US इंडिया में था।
लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो अगर मैं एप्पल में उस समय जॉब कर रहा होता तो शायद मालूम नहीं वो जो मिशन इंडिया वहीं छोड़ देता। तो आई थिंक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आज आपसे कनेक्टेड हूँ, फिटनेस लाइन के अंदर ही मेरा करियर है। और मेरे डैड नहीं हैं, अगर वो देखते तो अलग बात। सो उनके होते हुए मैंने स्ट्रगल ही किया है, थोड़ा सा उन्होंने देखा, पॉपुलरिटी देखी एक दो साल उन्होंने, बट यू नो अब जब उनके बैठने के दिन थे आराम से, सिर्फ देखने के दिन थे, तो वो शायद वो मिसिंग पार्ट है। दुनिया के अंदर भगवान ने सब कुछ दे दिया मुझे, फादर को लिया, बाकी सब कुछ दिया है। एनीवेज आई डोंट वांट टू गो, आज दिवाली है। सो मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गिव अवे तो नहीं दे सकता आपको, अगेन मैं तो अपने लिए, आप जैसा ही हूँ, आपने अपने फ़ोन लिया हुआ है, गिव अवे तो भाई वो देंगे जो जिनके पास इसका सिस्टम है, मेरे पास तो है नहीं। एनीवेज सो घर बैठा था, फ्री था, आज ये वीडियो डाल दी। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लाता हूँ, फिटनेस की जबरदस्त सिक्स पैक का प्रोग्राम आ रहा है, रोड टू सिक्स पैक, अमेजिंग। टेक केयर गुरुमान।